हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आदतें वो होती हैं जो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड की तरह आती हैं, हाँ, और बीवी की तरह रुक जाती हैं। ओ। और एक बार आदमी शादीशुदा हो जाए, हाँ, फिर दो चार आदतें आपको डालनी पड़ती हैं, जैसे रहने की आदत, हाँ, चुप रहने की आदत, म्याऊं म्याऊं करने की आदत। इसकी वजह से आदमी की जो सेहत है वो ठीक रहती है। हाँ। जैसे आपकी सेहत माशाल्लाह काफी तंदुरुस्त है, तो जितना आप बाहर बोलते हैं घर पे चुप रहते हैं, यही कामयाबी है कि नहीं बाजी? बिल्कुल है, टना टन। जैसे हर किसी की एक एक अच्छी आदत होती है, कईयों की बुरी आदत होती है। जैसे हमारे दास दादा ना, ये जो फोटो खींच रहे हैं, इनको फोटो खींचने के चक्कर में आदत पड़ गई, एक आंख बंद ही रहती। थोड़ी देर तक इनकी आंख के आगे कैमरा ना आए तो इनकी अपने आप बंद होने लगती है, ऐसे ऐसे करके। इसकी वजह से इनकी वाइफ बड़ी परेशान है, कहती आपकी एक आंख की वजह से किसी दिन मैं दूसरी भी फोड़ूंगी, देखना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है फालतू में सवाल करने की। प्लेन में जा रहे हैं, पता है प्लेन एक ही जगह पे उतरेगा, फिर भी बोलते हैं दिल्ली जा रहे हैं। कहते नहीं, रास्ते में जयपुर आएगा ना तो मैं कूद जाऊंगा। अच्छा, हॉस्पिटल में आदमी दिख रहा है, हाँ, लेटा हुआ बेड पे, ऐसे स्लाइन लगी हुई है, हाँ, अरे बीमार हो गए? तो कहते नहीं, मुंह से खाते खाते बोर हो गए तो सोचा ग्लूकोज लगवा ले। शरेआम कोई अपना कुत्ता घुमा रहा, उसको बोला अरे कुत्ता रख लिया आपने? कहते नहीं, घोड़ा है, छोटा रह गया ये। अच्छा, कुछ लोगों की कमियां निकालने की आदत होती है, कुछ भी हो जाए। उनको बोलते हो विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, नहीं वो बनाई तो है, वो बात नहीं बनी। उनको बाहुबली दिखा दो, कैसी लगी? ठीक है, वो बात नहीं बनी। उनको पूछो वो बात होती क्या, वो तो नहीं पता पर वो बात नहीं बनी। ऐसे लोग तब पिटते हैं जब बड़ा सुंदर सा बच्चा होता है ना घर पे, बीवी को जाके बोल देते हैं वो बात नहीं बनी। और बीवी फिर फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि ये मुंह के साथ ये बात बन गई ना, गरिमत है ये, तो ये मुंह तो चुप रहने वाला था। कुछ लोगों को कहानी सुनाने की बड़ी आदत होती है। जैसे हमारा गोपाल है ना, कीबोर्ड बैठा, डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब मैं घर से निकला, ऐसे ऑटो वाला मिला, मैंने कहा मलाड ले चो, उसने कहा नहीं मेरा ऑटो वाले से झगड़ा हो गया। उसके बाद मैं बस स्टैंड गया, बस के अंदर घुसा तो कंडक्टर कहता, डॉक्टर कहता मेरी बात सुनो, बीमारी बताओ। यही बीमारी है सर, कहानी सुनाने की कैसे छूटेगी। कुछ बीवियों को आदत होती है शक करने की, ऐसे ही पूछ लेंगी, पति वैसे किसी खुशी मूड में हो ना तो वैसे ही पूछ लेंगी, तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? आदमी भी सोचता है इतना चक्कर चलाने लायक होता तो ऐसे चाचा चौधरी जैसी बीवी से शादी करता मैं। अच्छा, आप देख लो भाजी, अंग्रेज लोग जो होते हैं उनको आदत नहीं होती रिएक्शन देने की ज्यादा। बहुत बड़ी भगवान अगर ट्रेजेडी हो जाए तो इतना सा आता है, ओह इट्स रियली सैड। हमारे लोगों को आदत होगी बड़ा रिएक्शन देने की। बिजली का बिल भी आ जाए ना, उस पर भी बड़ा रिएक्शन आता, 2000 बिल आ गया। मतलब अंग्रेज लोग आपके सामने अंगड़ाई ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा इतना सा करेंगे, व्हाट्सएप गुड, बात खत्म। हमारे लोग अंगड़ाई लेते जैसे गाड़ी के नीचे आ गए, और छींक मार के तो सामने वाले को बेहोश कर देते हैं, फैल जाते हैं पूरा। अच्छा, कुछ लोगों को खराटे लेने की आदत होती है घर पे, तो चलो घर वाले बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको पता होता है। ऐसे लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो तब लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। जैसे जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ती ना, इनके खराटे तेज होते रहते हैं, रिदम चलती ना दिमाग में। और जैसे ही ट्रेन स्लो होती इनके खराटे भी स्लो होते हैं। अच्छा, कई लोगों को बारगेनिंग करने की बड़ी आदत होती है, कहीं पे भी चले जाएं एक लाइन उनकी पक्की होती, ठीक ठीक लगा लो दो ले लेंगे। हमारे शमशेर पाजी के बेटा हुआ, डॉक्टर ने इतना बड़ा बिल दे दिया, कहते यार इतना बिल, ठीक ठीक लगा लो दो ले लेंगे। अब हुआ ही एक है तो दो कहाँ से ले लोगे। अच्छा, कुछ लोगों को नेगेटिव बात करने की बड़ी आदत होती है। हॉस्पिटल में किसी का पता लेने चले जाए ना, तो उनसे पूछते हैं बेटा कैसी है तबीयत, कहते जी ठीक है बेटा, बाहर से ठीक लगती है, बीमारी तो अंदर होती है, और तुम तो बच गए, हमारे बहनोई को हार्ट अटैक आया था, अस्पताल जाने का टाइम नहीं लगा। कहते नहीं नहीं आंटी, मुझे तो बुखार ही आया था, पहले पहले बुखार ही आता है, हार्ट अटैक बाद में घुसता है। अच्छा, कुछ आदतें जो होती हैं अच्छी वाली होती हैं, गुड हैबिट्स। कुछ बुरी आदतें होती जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे अपनों को भी होती हैं, बाहर सोसाइटी में निकलते हैं बहुत सारे लोगों को होती हैं। यहाँ पे हमारे कोई दोस्त हैं जिनको इस मुद्दे पे कोई विचार विमर्श करना है। जी भाई साहब, मुझे ना भूलने की बहुत आदत है। अच्छा, मैं तुरंत भूल जाता हूँ कोई भी बात हो, जैसे अभी किसी बॉस ने कुछ काम कहा, जैसे ऑफिस से बाहर आया आते ही भूल जाता हूँ उसके बाद। आपका नाम क्या है भुलक्कड़ भैया? यशपाल सतीजा। तो शादी की आपने, वो याद है आपको ना? हाँ जी, हाँ जी। मैडम को तो नहीं भूले कभी आप? नहीं, एक बार बता रहा हूँ भूल गया। अच्छा, बाजार जाना था, मिसिज ने कहा तैयार हो जाओ मैं साथ चलूंगी। अच्छा, मैं बाहर गया, इतने में स्कूटर लेके निकल गया,
बाजार से काम करके भी आ गया, फिर कहने के मुझे साथ जाना था, ये साथ आई है मिसेज मेरे। तो ये जानबूझ के नहीं भूल जाते ऐसी चीजें? नहीं, कई बार जान, कई बार पर्सनालिटी आदमी ऐसी, मैं भूल जाता हूँ, जानबूझ के निकल जाओ। कई बार ऐसा होता है कि मिसेज ने कोई सामान ऐसा बताया जो महंगा है, मैं लाना नहीं चाहता। अच्छा, मैं आके कह देता हूँ भूल गया, जब मुझे याद होता है। अभी तो नहीं ये भूलने देंगे, अभी तो उनको पता चल गया आपने सामने बोल दिया उनके। नहीं, अब तो कई बार ऐसा हो ही जाता है। अच्छा, सर वैसे काम क्या करते हैं सर आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट हैं आप? हाँ जी। और उसके बावजूद आपको भूलने की बीमारी है? आपका तो कोई कुछ नहीं जाएगा, जिनका अकाउंट संभालते हो उनका क्या करोगे आप? नहीं, अकाउंट से याद रहता है, खाली बीवी को मार्केट ले जाना भूल जाते हैं। हाँ जी। अकाउंट वाले आदमी है ना, बजट के हिसाब से दिमाग चलता है इनका। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? यस, ये मेरे चाचा जी को आदत है। क्या? वो कभी भी फाट कर देते हैं। एक मेरा एक बार बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा था, मेरे फ्रेंड्स लोग सब आए हुए थे, सेलिब्रेशन चल रहा था, और उन्होंने फाट कर दिया। तो आज फ्रेंड्स तक को लगा किसी ने बलून फोड़ा है। तो आज तक मेरे को फ्रेंड्स चिढ़ाते इस बात को लेके। तो फ्रेंड्स को बोलो चाचा जी ने किया था, मेरा क्या कसूर है इसमें। पर ऐसा होता, कई बुजुर्ग लोग नहीं बिल्कुल शर्माते, कभी कोई बैठे होते हैं उनको पता अब किसको इम्प्रेस करना और किसको, वो बैठे बैठे महफिल में और ऐसे रिएक्ट करते जैसे हुआ ही कुछ नहीं। हाँ। और सुनाओ गुप्ता जी, काम धंधा सब ठीक है? कहते हमारा तो ठीक है, आप अपना देखो। तो चाची साथ में रहती हैं? हाँ, चाची भी इस बात से लेके बहुत परेशान रहती है, उनको हमेशा टोकती रहती है इस बात को लेके। पहले एक दो साल टोका होगा, उसके बाद तो चाची को आदत हो गई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, अभी चाचा जी से दूरी रहना, अभी टीवी पे देख लेंगे ना आपको, तो या तो वो सब करना बंद कर देंगे, नहीं तो गुस्से में और ज़्यादा शुरू कर देंगे। थैंक यू लिटिल गर्ल। और कोई हमारे दोस्त? यस मैम। मुझे हंसने की बुरी आदत है। ये तो बहुत अच्छी आदत है। हर टाइम हर बात पे हंसना। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं हुई ना। तो नहीं, ये तो शादी के बाद भी हंसती रहेंगी, वो तो सामने वाली पार्टी की बंद करवाएंगी ये। तो कब कर रही है फिर शादी? अच्छी बात है, ऐसी हसमुख बीवी तो हर किसी को भगवान दे। सर आप रेडी हो? हाँ जी, आप रेडी? एक्चुअली मुझे भी हंसना हंसाना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए नहीं। सर साथ में करेंगे ना? साथ में शो करेंगे ना? कहाँ शो करेंगे? कहाँ से आई आप? सर अयोध्या। वाह क्या बात है, बड़ी पवित्र नगरी से आप आई हैं। जी। पर अच्छी बात है आप अयोध्या से आई हैं, इसीलिए शायद भगवान ने आपको ऐसा बनाया हसमुख। अयोध्या में सारे हंसते रहते हैं? जी बिल्कुल। पर आज तो आप हंसी नहीं, आप तो सीरियस हैं बड़ी। सर आपको देख के हंसी नहीं आ रही है। और आपकी क्या सेवा करें, आप इतनी दूर से आई हैं, घूमने आई हैं मुंबई? जी। कहाँ कहाँ घूमने? आपसे मिलने आए हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो गाना ही गा दो, कुछ होता है, गाना ही गा दो कुछ देख के उनको। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी तारीफ करें कि लाना डाल कहती। आपको देख के सब कुछ भूल गई। आप फैमिली के साथ आई हैं, अकेली आई हैं? जी दीदी के साथ आई हूँ। अरे दीदी कैसी हो? दीदी बड़ी स्टाइलिश है, आपकी चश्मा लगाया हुआ है इधर। बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका, ऐसे लगा के बैठो रात को? शो के लिए लगाया मैंने। मुंबई में रहते हैं आप? नहीं नहीं, हम भी अयोध्या से ही आए हैं। अच्छा जी, जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के ना बाइक पे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा वो ये भूल जाते हैं कि जो वो फिल्मों में देखते हैं हीरोइन, उनका तो मेकअप जो होता है वाटर प्रूफ होता है, इधर लगा रहता है। हमारे जैसे घर परिवार की लड़कियां बेचारा सस्ता मेकअप थोप लेती हैं, फिर बाइक पे बैठ के जाती ना जैसे ही, तो फिर लिपस्टिक जो है फैल के दांतों पे आ जाती है और काजल सारा लीक होके गालों पे, खुद ही लड़का डर जाता है देख के, हाय मम्मी इसको तो मैं बिठा के नहीं लाया था। अच्छा शादी से पहले और शादी के बाद बरसात के मायने बदल जाते हैं। हाँ। शादी से पहले लड़का लड़की जो एक ही छोटा सा छाता लेके ना लवी डोवी, उन्हें इंतजार प्यार हुआ इकरार हुआ। अच्छा वही आदमी जो एक ही छाते के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, शादी के बाद देखना आप प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली लगा के ना लुंगी को 1.5 फीट ऊपर ढा के दूध लेने जा रहा होता है वही आदमी, तब उसको बरसात अच्छी नहीं लगती, ऊपर से चप्पल पहनी वो भी कीचड़ में फंस जाती कभी कभी ना, एक पांव भारी हो जाता है, गालियां देता जाता है, बेड़ा घर कभी होनी थी बारिश। बरसात के मायने बड़े बदल जाते हैं, विदेशों में देख लो आप बरसात होती है ना लोग सबसे पहले रेनकोट ढूंढते फौरन, ओ वेयर इज माय रेनकोट, इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। हमारे लोग मोमबत्ती ढूंढ लो।
उनका पता है कि 20 मिनट बारिश हुई ना तो 2 घंटे लाइट जाएगी. अच्छा मुंबई में तो बरसात होती रहती है, यहाँ के लोगों को आदत है, सबके पास अपना अपना छाता होता है. अच्छा लड़कियों के पास बड़े अच्छे अच्छे छाते होते हैं मैचिंग, पर्पल येलो पिंक है ना, वो खुलते भी इतना छोटा सा ही होता है, टच करके उतना सा ही कवर करता है जितनी लड़की, बाकी इधर उधर सब बिकता है. अच्छा वो 3 स्टेप में खुलता है, पहले बटन से क्लिच उड़च ऐसे वाला जाता है. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.